हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एमआई या शाओमी मोबाइल में स्क्रीन लॉक होने पर ऊपर से डाटा चालू करने का ऑप्शन खुल जाता है, तो कैसे इसे बंद करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, तो चलिए हम सेटिंग को ओपन करते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, या नोटिफिकेशन नाम से या स्टेटस बार नाम से। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्वाइप डाउन नाम से मिलेगा, हो सकता है आगे पीछे लिखा रहे लेकिन स्वाइप डाउन नाम से रहेगा। इस सेटिंग को यहाँ से आपको बंद कर देना है और ऊपर एक ऑप्शन है देखिए यहाँ पर डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रावर, जितना MB यूज हुआ रहता है या जितना बचा रहता है या कितना MB चला है वो ऊपर शो होता है लॉक होने के बाद मोबाइल, उसे भी अगर बंद करना चाहते हैं तो आप इसे भी बंद कर देना। अब देखिए बैक आते हैं। अब जैसे अपने मोबाइल को लॉक करेंगे और ऊपर से नोटिफिकेशन इस तरह स्लाइड करेंगे तो शो नहीं होगा, इस तरह ओपन नहीं होगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, अगर सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन यहाँ पर आपके फ़ोन में नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सेटिंग नहीं पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपको देखिए ऊपर सेटिंग में सर्च बार में क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन लिखेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार नाम से आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर नोटिफिकेशन आइकन नाम से आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, या फिर अगर आप सर्च बार में क्लिक करके लिखेंगे स्वाइप SWIPE तो यहाँ पर स्वाइप डाउन अनलॉक स्क्रीन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप इसे बंद कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। तो गाइस, इन तरीकों से आप इसे बंद कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर कभी भी आपको बाद में इसे फिर से चालू करना रहेगा तो सेटिंग में जाकर वहीं से चालू कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।